Where is the respect of your struggle? 25 दिन जो आपने जंग लड़ी है, इज्जत क्यों नहीं करते आप उसकी? जो आपने मुकाबला किया है, इज्जत क्यों नहीं करते अपनी? जो हिम्मत दिलाई आपने अपने आप, इज्जत क्यों नहीं करते उसकी? किस मुश्किल से आपने वो पहले 10 दिन काटे, इज्जत क्यों नहीं करते आप उसकी? कितने वसवसों से आप लड़े, कितनी टेम्पटेशनों से आप लड़े, इज्जत क्यों नहीं करते आप उसकी? Why don't you respect your strive and drive and your thrive? क्योंकि वो इज्जत नहीं करता और इसको महज तुक्का, फ्लूक और चांस समझता। मुहासबा नफ्स नहीं करता हर रात को कि आज की मार कितनी थी। वो एक टाइम पर भूल ही जाता है, इसलिए लोगों को अपनी जंगें याद नहीं रहती कि वो कहां से कहां तक कैसे आए थे। तो कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं जब कुछ मिल जाता है, और कुछ औकात जो मिली होती है उसे 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 अपने अंदर मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते कि अल्लाह ने मकाम क्या दिया। दोनों तबाह करते हैं मंजिलों का मकाम। तो अब जब पहुंच गए हो 78 किलो पे, अब क्या हुआ? अब ये हुआ है, थोड़ा सा बॉडी ने वेट करके वसवसा दिया। एक निहारी खाने से तो कुछ पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अब वो बड़ी वसवसा नहीं देगा कि और देख में घुस जाओ। सही, वो कहेंगे एक निहारी थोड़ा सा। अब जुबान को उन मसालों का टेस्ट मिले, वैसा हो चुका। सही, थोड़ा सा व्हाइट ब्रेड लेने में, मैं जैसा भी हूं खूबसूरत तो हूं ना खाने में, देख तो सही। देखना ही तो नहीं है सर, देखना नहीं है वैसा। द आर्ट ऑफ विनिंग इज यू डोंट हैव टू सी मेनी थिंग्स। देख क्यों रहे हैं आप? आप देखेंगे, आपको पता है डिजायर आएगी, क्योंकि आप इल्म से तो नहीं मार सकता आपको। इल्म तो पक्का हो गया ना आपका, आप कंसिस्टेंसी इल्म से नहीं तोड़ेगा, आप कंसिस्टेंसी डिजायर से तोड़ेगा, ख्वाहिशात से।